YouTube चैनल गाइस, आज मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे दो जगह जाना है। पहला मुझे पूर्णिया जाना है नानी के घर, और दूसरा मुझे जाना है बारसोनी। वहाँ पे मेरे पापा के भाई की बेटी के बेटा का बर्थडे है, तो उसी में जाना है। इनवाइट किए थे वो लोग, तो आज वहाँ जाना है, शाम में पार्टी है इसलिए। और पहले मुझे नानी के घर जाना है, तो इसलिए मैं रेडी हुई हूँ। मामा रेडी हो रही है और मीठी को मैंने रेडी कर दिया है। आ जाओ दिखा दो। इसको मैंने रेडी किया है। हाँ, मेरी दीदी बहुत सुंदर मेकअप करती है। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। हम जा रहे हैं स्कूल। बाय। अब ये स्कूल जा रही है। इसके स्कूल में टीचर्स डे का फंक्शन है, तो बीच में छोड़ के आई थी रेडी होने के लिए। अब फिर ये वापस जा रही है फंक्शन अटेंड करने के लिए। ठीक है, बाय। गाइस, मेरी मम्मा साड़ी पहनने भूल गई है, पूछ रही है आ चल इधर से ले या इधर से ले। अभी हम बताइए कि लेफ्ट साइड से लो, तो अभी याद आया। अभी भी कंफ्यूज है कि आजकल किधर से लेना है। कभी प्लेट्स बना रही है, कभी निकाल रही है, मतलब एक तो भूल गई है कि साड़ी किधर से पहनना है। क्या क्या होता है मम्मा के साथ। तो मम्मा का मेकअप अभी मैं कर देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। गाइज, मैंने ये ड्रेस पहना था, ये रहा मेरा फुल लुक, दिखाना ही भूल गई थी। कमेंट करके बताओ ये ड्रेस कैसा लग रहा है। मेरी मम्मी हम निकल गए घर से और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं गाइस और अब हम निकल चुके हैं। मैं रील्स बना रही थी और अब निकल गए। मम्मा भी है, पापा आगे वाली सीट पे बैठे हुए हैं। गाइस, हेयर निकाल बहुत ज़्यादा परेशान। पहले इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता था, इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता था, अभी भी हेयर निकल रहा है तो और परेशान है। मतलब हेयर के कारण एकदम परेशान। कोई टिप्स है तो कोई बता देना कमेंट में। अभी भी हेयर फॉल रुका नहीं है, हो रहा है। ऑलमोस्ट पहुँचने वाले, एक गली बचा हुआ है। मेरा तो हालत है भोपाल के कारण, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा देख के लग रहा है कि एकदम उठ के ऐसे ही आ गए। अब फिर जाके चेक करना पड़ेगा। तब मम्मी कैसा लग रहा है नानी से मिलने जा रही हूँ। बहुत अच्छा, कपड़े पोज घुमाने पहुँच गए। वैसे भी फोर व्हीलर में बैठ के मेरा हालत बहुत पूरा मेरा हालत ख़राब है। बस जल्दी से उतरना है, अरे थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ऐसा हालत फिटिंग आ रहा है। आ गया है पर मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मी आराम से आ जाती है। मैं और मम्मी तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा पिछले बार भी ब्लॉग में बोले थे जब बस से आए तो ये नानी का घर आ गया। फाइनली आ गए, पहुंच गई। बहुत हालत खराब है मेरे बाल का, इसको इग्नोर कर दो गाइस। नानी देखो ब्लॉग बन रहा है, बोलो हाय। ऐसे करो, हालत तो पूरा खराब है, मैं तो पूरा डेड ऐसा फील हो रहा है। और मीठी का तो हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है। और यहाँ मम्मी अपना साड़ी का प्रचार कर रही है, साड़ी एडवर्टाइज। सब कुछ भी नहीं मुड़ेगा, कुछ भी नहीं। मम्मी इधर देख के अच्छा से कर दो, चिकचिकिया टिकटिकिया सब बोलती बोलती हमको, मेरे साथ तो सब मत पहनते जाओ चिकचिकिया। हाँ, तो मैंने मम्मा का रेड और येलो कलर का साड़ी लेने पर बैंड लगा दिया है। और पहले ना मम्मा ऐसा लेती थी, मोटा मोटा बॉर्डर होना चाहिए साड़ी में, तो वो सब एकदम साइड करवा दिए है। हाँ, तो मम्मी अच्छा लग रहा है ना साड़ी। आज भी मम्मा जो साड़ी पहनी है मेरी चॉइस का पहनी है। आजकल मम्मा बस मेरे चॉइस का ड्रेस पहनती है। वैसे मेरे घर में कुछ भी आता है तो सब मेरे चॉइस का आता है। मम्मा हालत तो पूरा खराब है, अब थोड़ा बेटर बेटर फील हो रहा है हम लोग को। मीठी का भी थोड़ा बेटर बेटर हो रहा है, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, कल आयशा सिंह ने मुझे रिप्लाई दिया था मेरी स्टोरी सीन करके, तो वही मम्मा बता रही है नानी को।
गाइस ये मेरी नानी घर का पूरा लुक दिखा देते हैं। पिछले व्लॉग में किसी ने कहा था कि नानी घर दिखा दो, इसलिए ये एक रूम है। यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे सब बैठ के अभी मस्त गॉसिप कर रहे हैं। ये किचन है, फ्रिज, यहाँ पे एक बेसिन लगा हुआ है। ये दूसरा रूम है, यहाँ पे छोटा सा पूजा घर। इधर एक रूम, ये मेरे पापा आराम से टीवी देख रहे हैं। पापा को कुछ मिले ना मिले, फोन और न्यूज चैनल मिल जाना चाहिए बस, तब पापा कैसा लग रहा है। ये बालकोनी है, यहाँ पे हमेशा कपड़ा रहता है, हमेशा। ये घर के सामने वाला घर है, यहाँ पे मेरी बहुत सारी मौसी मामा ये लोग रहते हैं। तो बस यही है नानी का घर। और नीचे नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर में वहाँ पे भी रेंट लगा हुआ है, ऊपर सेकंड फ्लोर पे भी रेंट लगा हुआ है, और फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, मतलब नानी लोग रहती है, और उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके ऊपर टेरेस है। तो बस यही है मेरी नानी घर का टूर। इधर साइड में वॉशरूम था, ये दिखाना भूल गए, और यहाँ पे छोटा सा बेसिन, बस ये बस इतना ही है टूर में। अभी मेरी बड़ी वाली मौसी आ रही है, तो वो अभी मेरा हेयर ठीक कर देगी, ऐसे बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब ये लोग क्या है, सावन ख़त्म नहीं हुआ है कि खाना 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 नॉन वेज खाना, ये खा लो। जब से सच्ची बता रही हूँ, जब से सावन ख़त्म हुआ है, घर पे रोज़ कुछ ना कुछ नॉन वेज बने जा रहा है। अभी भी आइए नॉन वेज खाना है, मतलब डेली नॉन वेज क्या है पता नहीं, बेचारा जानवर सबका कत्ल करके ये लोग खा जाते हैं। तब क्या है इतना नॉनवेज क्या है बताओ, क्या मिल रहा है नॉनवेज खा के, दो महीना में खा रहे हैं, तो बेचारा बकरी सबका कत्ल हो जाएगा। कितना बकरी मुर्गा पता नहीं क्या क्या सब कत्ल करके खा रही हो, कैसा लगता है कत्ल करके खाने में? बहुत अच्छा। छी, तब नानी दो महीना का सावन में क्या हाल हुआ था, क्या हुआ बताओ? ओ, सब जगह नहीं खाया। हाँ, तो कैसा फील हुआ? नहीं बुझाया, कैसा बुझाएगा, नहीं बुझाया, नहीं बुझाया। तो बाबा का कृपा से कुछ नहीं बुझाया। चलो नानी ठीक है। गाइस नानी के घर पे ब्लॉग शूट करना बहुत 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 ज्यादा टफ है, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ पे बहुत गॉसिप चलता है सबका, सब हॉल में बैठ जाते हैं, मस्त बात करते हैं, बात पे बात होते रहता है। इसलिए अभी भी मम्मा बोल रही है, मम्मा मेरी टीचर है, तो अभी ना ऐसा लेटर में कुछ आया था कि बहुत सारा छुट्टी को कट कर दिया गया है, फिर सेकेंड लेटर आया जिसमें सारा छुट्टी वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ कुछ कट होगा, तो अभी मम्मा बहुत खुश है, वही बता रही है सबको। और वैसे रहा बस सावन का, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अच्छा था घर पे, दो महीना तक कुछ भी नहीं बना, टू मंथ तो मेरा बहुत मस्त गया है। नो नॉनवेज, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, पर मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि मैं वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि मैं एक खा लेती हूँ, पर ऐसा खाती हूँ कि बहुत रेयर है, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, मतलब नहीं नहीं टाइप में खाती हूँ, विंटर में थोड़ा बहुत खा लेती हूँ तो ठीक है, ऐसे नहीं खाती हूँ। वैसे मुझे मटन चिकन फिश सबका टेस्ट पता है, नहीं चिकन का नहीं पता है, सॉरी मटन और फिश का पता है, जब मैं छोटी थी ना तब खाती थी, पर फिर जब मुझे पता चला कि ऐसे गोट को कट कर दिया जाता है, फिश को कट कर दिया जाता है, ऐसा ना मैंने मतलब मैं जब गई थी तब देख लिया था, कट कर रहे थे, बहुत सारा ब्लड हो गया था, तो ऐसा देखने के कारण मैंने उसको पूरा छोड़ दिया खाना, उसके बाद आज तक कभी नहीं खाई हूँ। कभी कभी फिश खा लेती हूँ मीठी, अपने हाथ से खिलाती है तो बस मीठी खिलाती है तभी खाती हूँ, ऐसे नहीं खाती हूँ, अपने हाथ से कभी नहीं खाती हूँ। मटन तो खैर छोड़ो, वो तो मैं खाती ही नहीं हूँ। यही है, मैं तो चाहती हूँ कम से कम ईयर में 6 to 7 मंथ ऐसे ही फेस्टिवल होते रहे, और घर में नॉनवेज ना आए, बिल्कुल ना आए, तो वैसे तो मज़ा ही आया, पर अच्छा है अब तो घर पे रोज़ नॉनवेज ही बनता है। मौसी आई है मुझसे मिलने के लिए, और रुद्र भी आया है मुझसे मिलने के लिए। हाय बोलो। हाय। मौसी मेरे लिए ये गोलगप्पा लेके आई है। हम नानी के घर से निकल गए गाइस, अब हम बरसोनी जा रहे हैं।
वही बर्थडे पार्टी जो मैं बताई थी वही जा रहे हैं बर्थडे अटेंड करने। अब वहाँ पहुँच के ही मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। गाइस हम पहुँच गए हैं। इसका नाम है अंशु। इससे मैं 5 साल बाद मिल रही हूँ, 6 साल बाद मिल रही हूँ। वैसे करने से तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा साउंड और मेरा गर्मी के कारण पूरा हालत ख़राब है। जबकि ऊपर बहुत सारा फैन ऑन है फिर भी हालत पूरा ख़राब है। गाइस ये मेरी भाभी है, हाय कीजिए। ये लोग मेरी न्यू फ्रेंड्स बनी है। ये दोनों को तो पहले से जानते थे, ये दोनों ट्विन्स हैं, पर ये बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है। हाँ तुम लोग भी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं सब बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है, हम अच्छे नहीं है, बाकी सब बहुत अच्छी है। ये दोनों ट्विन्स है, बिल्कुल भी सेम नहीं लगती है। गाइस हम अभी यहाँ खाने के लिए बैठे हैं और अभी हमको एक केक मिला है। गाइस पार्टी ओवर हो चुका है, अब हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं। हालत पूरा खराब है गर्मी से। गाइस तो मैं घर आ चुकी हूँ और अभी रात के बज रहे हैं 11:30। ये देखो, और अब तो बस ऐसा लग रहा है कि जल्दी से ड्रेस चेंज करो और सो जाओ। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना, और कमेंट करके भी बताना कि कैसा लगा। अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो वो भी बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसको ना करूँ। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय। अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।